हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बतंकर में। जैसा कि 3 जनवरी में एक पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुई थी और वो पीडीएफ थी आईबीपीएस कैलेंडर 2022-23 की। वैसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तभी लग चुका था कि ये फेक पीडीएफ है, लेकिन जो उसमें पब्लिश डेट दी गई थी वो दी गई थी 5 जनवरी की। तो सभी स्टूडेंट्स ने 5 जनवरी का भी इंतज़ार किया कि ये पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलती है कि नहीं, और 5 जनवरी भी निकल चुकी थी और वो कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला। अब काफ़ी सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो अभी आईबीपीएस पीओ और क्लर्क मेंस एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आईबीपीएस आरआरबी 2022 का नोटिफिकेशन कब आएगा, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होंगे और ये सीईटी पैटर्न पर होंगे या पुराने पैटर्न पर ही। सबसे पहले 2022 के एग्ज़ाम की बात करें तो ये पुराने पैटर्न पर ही कंडक्ट होंगे, तो जिस तरह आप तैयारी कर रहे हो उसी तरह आप तैयारी कीजिए। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो उसके पहले आपका आईबीपीएस कैलेंडर रिलीज़ होगा, जिसमें मेंशन होगा कि आईबीपीएस आरआरबी के एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट होंगे और आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ के एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट होंगे। अब आईबीपीएस कैलेंडर की बात करें तो जनवरी के मिड में, मतलब 15, 16 या 17 जनवरी तक ये कैलेंडर रिलीज़ हो जाता है, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि ये कुछ दिन डिले हो गया था और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये कैलेंडर देखने को मिला था। अब इस साल के कैलेंडर की बात करें तो इस साल वही जनवरी की मिड में, मतलब 15, 16 या 17 जनवरी तक आपको ये कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। अगर ये लास्ट ईयर की तरह डिले हुआ तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको ये कैलेंडर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो जिस तरह आप तैयारी कर रहे हो उसी तरह आप तैयारी कीजिए अगर आपका 2022 के एग्ज़ाम पर टारगेट है। बाकी कोई भी अगर डाउट है प्री एग्ज़ाम को लेकर या मेंस एग्ज़ाम को लेकर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।